इधर देखते मैडम अपने कैमरे के लिए भी देखा राइट साइड देखिए अच्छा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ग्लासेस वो खाली राइट साइड देखिए एकदम बस वाओ जा देखा वाओ ओनली लेफ्ट का थोड़ा धनंजय धनंजय केक लेके आना कौन आवाज आवा जोर से बोल नाम तो तू जानता है थैंक यू Right.
चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। या रोलिंग, ओके सुरुल रोलिंग। कंग्रेचुलेशन मैम, काफी अच्छा लगा सबको ऑलरेडी, इतना पसंद आया। आइडिया जानना चाहूंगा इसके पीछे, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस सॉन्ग? I can't think when I can't see. Okay. So the idea behind the song बहुत simple है actually. मैंने अंदर बोला था but I'll repeat myself that जब ये पूरा guess who शुरू हुआ था, you know you guys were always papping me a certain way और मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरा talent थोड़ा smudge हो रहा है और लोग बार बार बोल रहे थे कि you know maybe she's showing her body because she's not talented enough or lot of things. तो यार दिमाग में आया कि बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन से टैलेंटेड भी हैं और गुड लुकिंग भी हैं एंड आई एम ऑलवेज लव टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ। सो थॉट यही था कि मेरे बदन से ज़्यादा मेरे सुर हसीन और नाम तो तू जानता है नेहा भसीन, और नेहा भसीन के बड़े जोक्स बनते हैं, नेहा भसीन हसीन, कभी भसीन, कभी कुछ 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 कुछ, अच्छे बुरे दोनों बनते हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ स्टेटमेंट थ्रू द सॉन्ग एंड ऑफकोर्स द क्रेडिट गोज टू द राइटर जूनो जिन्होंने ये पूरा लिखा। पर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ जो मैं बोलना भूल गई। हर इंसान चाहता है कि उसकी पहचान उस लेवल पे बने कि सिर्फ नाम तो जानता है हुए। एंड नाउ वी वेलकम एंड एवरीबडी वांट्स दैट, वी ऑल वांट दैट। यू नो मैं देखती थी बड़े बड़े आर्टिस्ट का बाहर की यार सिर्फ इतना होना चाहिए, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने कब तक अपना डिस्कोग्राफी लेके चलते रहोगे साथ में। सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज ऑल्सो फॉर एवरीबडी जो अपनी पहचान बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं। दैट्स ऑल ऑफ अस, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी नोन बाय देयर नेम। And that's why we have a name. So this song is all about that. Yeah, अभी आपने कहा कि मेरे नाम पे memes बनते हैं, तो आपको affect हुआ कि दर्द हुआ कि क्या हो रहा है, लोग मुझसे जानो ना, मतलब इन सब चीजों से जान के क्या, कभी ऐसा आपको लगा दुख हुआ था कि? मुझे बहुत confused feeling होती थी। मीडिया अटेंशन देख के अच्छा लगता था, हर इंसान मेहनत करता है ये देखने के लिए मीडिया हमें भी पहचाने, हमें भी प्यार करे। पर जब रिएक्शंस देखती थी मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं था, आई वॉज वॉकिंग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। तो इट टुक मी अ वाइल, थोड़ा वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इसको पॉजिटिवली देखो, यू नो सी एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ पॉजिटिवली। सो हाँ, बुरा लगता है जब बॉडी शेमिंग होती है, बहुत बुरा लगता है। मैं पतली सुकड़ी लड़की नहीं हूँ, आई हैव एसिड्स एंड जब आप छोटे होते हो, व्हेन आई वाज यंगर, तो आई यूज टू लूज अ लॉट ऑफ वेट जस्ट सो दैट आई डोंट लुक फुल बॉडी, कि मेरे को सेक्सुअलाइज ना किया जाए, मुझे ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए। अब इट्स लाइक सबको ही किया जा रहा है, लाइक इट्स ओके कि ना, आप पतले मोटे जैसे भी, एवरी वन आफ्टर एवरी वन टूडे। सो टूडे आई फील जो है अच्छा है उसको यू नो हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो एंड एन्जॉय इट। सो आई हैव माई डेज एज आई टोल्ड यू इनसाइड व्हेन आई एम पैप्ड एंड आई एम नॉट लुकिंग नाइस, और लोग गंदी बातें बोलते हैं, दुख होता है, इंसान है, हर इंसान को दुख होता है। लेट मी टेल यू, ट्रोलिंग अफेक्ट्स एवरीबडी, बट वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट ट्रोल्स बिकॉज दे हैव नॉट मेड इट एंड वी हैव एंड दैट्स व्हाई वी हियर। आप कभी रोलर कोस्टर पर बैठे हैं? बैठे तो हैं कभी, अच्छा झूले में बैठे हैं ऐसे जो गोल गोल घूमता है, बहुत कैसा लगता है उसमें, कभी अच्छा लगता है, कभी उल्टी आती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी चक्कर आता है, एकदम मेरा करियर ऐसे ही रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एकदम नीचे कभी एकदम ऊपर, कभी बीच में, कभी लगता है साला छोड़ ही दो क्या कर रहे हैं, कभी लगता है नहीं नहीं सबको दिखा के ही जाएंगे। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड। आई थिंक व्हेन यू हैड अ लॉन्ग करियर, अगर आप ये बात मुझे शायद 10-15 साल पहले पूछते जब मैं थोड़ी नई थी तो मेरा शायद जवाब अलग होता, पर एक चीज़ मैंने आज सीख ली है कि चलते रहना पड़ता है। हम अपने आज के लेजेंड्स को जो देखते हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, पहचान काम से ही होती है, तो यू हैव टू जस्ट कीप एट इट। सो अब मैंने वो ठान लिया है, तो रोलर कोस्टर पर कभी आप बैठेंगे मेरे को ज़रूर याद करना। पहले और आज कितना ज़रा मिलेगा? पहले में और आज में, अपने में या दुनिया में? सर मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी, सीडीज़ बिकते थे तब, सीडीज़ के बाद पायरेसी आया, फिर वो लोग वैसा वो MP3 का वो डालते थे, USB डालते थे, उसके बाद बहुत टाइम रेडियो स्टेशंस की शुरुआत, मैं जिस बैंड में थी वीवा, हमने सारे रेडियो स्टेशंस की ओपनिंग करी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002। तो मैंने वो सब देखा है, आई हैव सीन। कई बार लोग कहते हैं ओ यू नो दिस न्यू एज आर्टिस्ट, वो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, बट आई हैव बीन अराउंड फॉर रियली लॉन्ग एंड आई हैव डन अ लॉट। तो सब चेंजेस देखे, और अब ऑब्वियसली स्पॉटिफाई और सबका ज़माना है, मतलब वेयर पीपल आर डाउनलोडिंग म्यूजिक और स्ट्रीमिंग म्यूजिक, आई हैव सीन ऑल द चेंजेस। सो मैं सेम हूँ, मेरा दिल आज भी वही सेम है, जो मन में होता है वही ऊपर होता है,
एंजाइटी थोड़ी बढ़ गई है उम्र के साथ, पता नहीं क्यों, बट हाँ बट मैं आज के दिन मतलब उसको बहुत ज़्यादा बट आई डू वॉन्ट टॉक अबाउट एट सम पॉइंट बट आई हैव अ कंडीशन कॉल PMDD एंड इट्स अ वेरी सिवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड आई हैड इट माई होल लाइफ बट दिस ईयर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ तो आई वेंट इन टू वेरी 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 सिवियर डिप्रेशन एंड आई रियली थॉट आई नेवर कम आउट ऑफ इट सो फॉर मी इट वॉज अ वेरी टफ टाइम जब ये गेस्ट वाला सिलसिला चला तो इन अ गुड वे आपकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ रही थी जब इंस्टा लोग खोल रहे थे आप देखने को मिल रही थी हमें और अगर कहीं अगर दूसरे अभी नहीं दिख रहे हो क्या अभी नहीं दिख रही हो बट आज दिखाओगे कि नहीं बिल्कुल क्यों नहीं दिखाएंगे और दूसरी तरफ से देखिए तो आपको काफ़ी ट्रोलिंग भी सहना पड़ रहा था तो आप उस चीज़ को कैसे ले रही थी इन अ पॉजिटिव वे और क्या मैं हाइपर पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ मैं मुझे बुरा लगता है आई एम नॉट गोइंग टू लाई मुझे बुरा लगता है मेरा दिल बहुत सेंसिटिव है बट फिर मैं उसमें से उठ जाती हूँ मतलब मैं निकल जाती हूँ हमेशा मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि आप लोगों को सिर्फ बैक नहीं डालनी चाहिए लोगों की मतलब अच्छी बात है कि आपने पहचान कुछ लोगों की बना दी पर सबकी अच्छी भी नहीं है और फालतू में सबकी डालो और हमेशा सिर्फ ये मत करो आई फील लाइक व्हेन यू गो फॉर एन इवेंट आई नो आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं इसलिए आप वो कर रहे हो इंस्टाग्राम इज़ नाउ बिकम लाइक आई डोंट नो लाइक पॉर्न हब और समथिंग बट यू नो ऐसे नहीं होना चाहिए इट्स अ फैक्ट Am I lying? No. Yeah, I always talk the truth, you know. But ऐसे नहीं होना चाहिए There are other good things also happening. तो आप थोड़ा balance रख के चले दुनिया में balance रहता है ना तो अच्छा होता है नहीं तो फिर दोबारा से कहते हैं ना humanity खत्म होती है और फिर भगवान को नीचे आना पड़ेगा ऐसा मत करो थोड़ा control में थोड़ा आपने अभी कहा कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा तो आपकी जिंदगी में वो कौन था जो आपकी परेशानी के समय काम आया सहारा बना मेरी फैमिली सिर्फ मेरी फैमिली कुछ फ्रेंड्स एंड सबसे ज़्यादा माई मदर एंड माई हस्बैंड सो आई थिंक इफ माई हस्बैंड मतलब कोई और होता शायद यू नो वुड हैव नॉट बीन एबल टू टेक इट आई वॉज लिटरली क्राइंग एवरीवेयर मतलब चाहे मैं टर्की में हूँ मैं कहीं भी हूँ मेरा ऐसा हाल था कि आई वॉज जस्ट नॉट इन अ गुड स्पेस एंड आई थिंक अगर वो नहीं होते तो आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट सो डेफिनेटली फैमिली व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई वॉज कम्प्लीटली अलोन फॉर 10-12 ईयर्स एंड टुडे सक्सेस आती जाती रहती है पर प्यार मेरे लाइफ में बहुत है दुनिया का भी है और माँ बाप का सबका है तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन ओके तो पहले तो बोल ही देते गाइस लेके आई हूँ मैं रैप ताज़ा तरीन हर बीट मारे स्लैप बेहतरीन मेरे बदन से ज्यादा मेरे सुर हसीन और नाम तो तू जानता है यार छोड़ो यार आज की क्या ही बोलना आप जो भी करो आपकी बैंड तो बज रही है अच्छा बुरा दोनों होना आपके साथ तो जियो लाइफ एंजॉय योर लाइफ एंड मेहनत करते रहो दैट्स ऑल आई विल से